नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। जैसा कि आप लोग देखते हैं, हमेशा हम राशि और निवारण के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से आज भी बात हम करेंगे राशि को ही लेकर के। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में अलगाव की भी संभावना है। क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया? नारियल का गोला जल में प्रवाहित करेंगे, लाभ मिलेगा। शुभ रंग हरा है और शुभ अंक 4 है। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वाले जातकों के घर में धार्मिक माहौल बनेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया? केले का पेड़ लगाएं। शुभ रंग सफेद है और शुभ अंक 4 है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज परिश्रम के अनुरूप फल थोड़ा कम ही मिल पाएगा। क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया? सफेद या लाल कपड़े पहनकर काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। शुभ रंग हरा है और शुभ अंक 8 है। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों को आज थोड़े काम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया? गरीबों को दान करने से लाभ मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी है और शुभ अंक 3 है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों को आज नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। काम से अधिकारी गण प्रसन्न रहेंगे। क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया? तुलसी के पेड़ में जल देने से लाभ मिलेगा। शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 7 है। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातक आज उधार देने से बचें, साथ ही किसी नए व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया? आज के दिन 21 रोटी गरीबों में दान करने से लाभ मिलेगा। शुभ रंग हरा है और शुभ अंक 5 है। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों को आज पारिवारिक कलह से मानसिक अशांति होगी। पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया? पीपल के 5 पत्ते पूजा स्थल पर रखें। शुभ रंग आसमानी है और शुभ अंक 5 है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जातक स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे। सर्दी जुखाम को गंभीरता से लें। क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया? लक्ष्मी माता को भोग लगाएं। शुभ रंग क्रीम है और शुभ अंक 5 है। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातक आज किसी भी काम में बिना सोचे समझे निर्देश से बचें। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया? मंदिर में दान करने से लाभ मिलेगा। शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 6 है। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यवसाय या उधार देने के लिए प्रतिकूल रहेगा। सेहत के प्रति चिंता रहेगी। क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया? चांदी के सिक्के का दान करें, लाभ मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी है और शुभ अंक 4 है। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों का आज स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा। विरोधी पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया? घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं, लाभ मिलेगा। शुभ रंग नीला है, शुभ अंक 6 है। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि वाले जातकों को आज जमीन की खरीद फरोख्त में लाभ मिलेगा। घर में धार्मिक माहौल बनेगा। क्या करें उपाय जिससे दिन जाए बढ़िया? घर में तुलसी का पौधा लगाएं। शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 4 है। जैसा कि देखा आप लोगों ने, हमने मेष राशि से मीन राशि के बारे में आप लोगों को बताया क्या कारण है, क्या निवारण है, क्या उपाय करना है, इन सब के बारे में मैंने बात करी आपसे। इसी तरीके से हम बताने वाले हैं कि राहु का अगले महीने में मतलब एक तरीके से नक्षत्र परिवर्तन है और
केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ये जो परिवर्तन है ये खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया नहीं जाएगा जिन लोगों का प्रेम संबंध या अफेयर किसी के साथ चल रहा था, उनके लिए बहुत ही कष्टकारी समय रहेगा ये, क्योंकि उनमें झगड़े लड़ाई होने की पूर्ण पूर्ण संभावना बन गई हैं। और ये जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगा ये 15 जून से आप लोगों के सामने दिखाई पड़ जाएगा। जैसा कि 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु ने बदलाव किया, 12 अप्रैल से अभी तक लोगों को खास तौर पे पति पत्नी के रिश्ते, खास तौर पे प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते, बॉयफ्रेंड फ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते, इनमें सब में बड़ा कटता आया है। बहुत ज़्यादा रिश्ते टूट चुके हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं। इसी तरीके से 15 जून से भी यही होने वाला है और इससे बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए आप लोगों से ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार से ये कहा जा सकता है कि आप लोगों को प्रत्येक सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और उसके साथ साथ अपने माता पिता की सेवा करें। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको जो ये रिश्ते हैं ये बच भी सकते हैं और ऐसे में आप लोगों का जीवन भी सुखमय बन सकता है। जैसा कि देखा आप लोगों ने, हमने TNP न्यूज़ के माध्यम से हमेशा आप लोगों को कारण निवारण और राशि के बारे में बताते हैं, ऐसे आगे भी बताते रहेंगे। देखते रहिए TNP न्यूज़। हम फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमको दें इजाज़त। जय श्री राम, नमस्कार।